Aslamu Alaikum student. Starting with the precious and most beneficial name of Allah you are listening to Ms. Sadaf Iram. Today I will teach you subject is computer science of ICS part one. We will discuss chapter number one, basics of information technology. In this lecture, we will cover many topics. हमारे पास चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या चीज़ ठीक है टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया गया जिससे इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैली ठीक है और आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है हमारे पास फासलों को टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दिया है ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है ठीक है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये आज हमारी इसने फासलों को ख़त्म कर दिया और ये हमारी कम्युनिकेशन का ज़रिया बन गया है जिससे हम हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ठीक है ये सब एक कंप्यूटर की बदौलत हुआ ये और ये कंप्यूटर क्या चीज़ है सबसे पहले हम कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन किस पर बेस कर रही है ठीक है ये किस तरह काम करता है ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ठीक है कंप्यूटर हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा बन गया है ठीक है ये हमारी ज़रूरत बन गया है आजकल आप देखें हर जगह हमारे पास जो है ना कंप्यूटर यूज़ हो रहा है हमारी कंप्यूटर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ठीक है कंप्यूटर एक कैलकुलेशन मशीन है जो हमारे काम को आसान बनाता है जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन को कंप्यूट करते हैं ठीक है ठीके? ये बेस ह्यूमन बेस मशीन है जो हमारे पास हमारे वर्क को आसान बनाती है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है इस तरह से वर्क करती है कि हमारे डाटा को एक्सेप्ट करती है ये इसके बाद इसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन में लेकर आती है या हमने वर्ड डाटा इस्तेमाल किया डाटा क्या चीज़ है ठीक है डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है इसको हमने अभी तक मैनिपलेट uh, नहीं किया होता ठीक है जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होती है सबसे पहले कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है उसके बाद उसको प्रोसेस करता है प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन आती है यूज़फुल डाटा की जो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं ठीक है थीके? उसके बाद हम यहाँ पे आज डिफ़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और इसके रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे ठीक है ठीक है यहाँ हमारे पास है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी डेफिनेशन को अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन का सेट जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है सॉल्व करने के लिए देते हैं तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम का नाम भी देते हैं ठीक है और उसको प्रोग्राम भी कहा जाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स ठीक है आज कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर वही काम करता है जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती हैं ठीक है ठीके? उसको हम सॉफ्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं फिजिकल ठीक है physical, जी और जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर ले लें एम एस वर्ल्ड का ठीक है एम एस ऑफिस का उसके अंदर जो जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं उसी को हम फॉलो करते हैं वही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं और कंप्यूटर उसी को ही फॉलो करके हमें रिजल्ट देता है अच्छा जी आगे हम पढ़ेंगे हार्डवेयर को हार्डवेयर ऑल दोज डिवाइसेस दैट एग्जिस्ट फिजिकली आर कॉल्ड हार्डवेयर ठीक है हार्डवेयर जो है वो टेंजिबल होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं ठीक है थीके? जिसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है जिसको हम देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास माउस कीबोर्ड हार्डवेयर की एग्जांपल है ठीक है आगे हम इसका पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ सॉफ़्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टर्स द कंप्यूटर हार्डवेयर वट टू डू वह सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को बताते हैं कि उसने करना क्या है ठीक है जी द हार्डवेयर केन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर द सॉफ्टवेयर केन नॉट बी एग्जीक्यूटिव विदाउट हार्डवेयर ना तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम कर सकता है ना ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर सकता है ठीक है जी इन दोनों को काम करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्ट कंप्यूटर बिकम्स यूज़फुल ओनली वेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कम्बाइंड एक कंप्यूटर तभी यूज़फुल मुफीद होता है काम करने के काबिल होता है जब हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्बाइन करके हम वर्क करते हैं ठीक है थीके? अगर हमारे पास हार्डवेयर हो और हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो हमारा हमारे हार्डवेयर का कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है जी और अगर हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो तब भी हमारे पास कंप्यूटर हम काम कर ही नहीं, नहीं सकते ठीक है तो इन दोनों का आपस में गहरा रिलेशन है ये दोनों एक दूसरे के बगैर काम करते ही नहीं है ठीक है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ठीक है जैसे कि हमने ऊपर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डिस्कस किया था अब हम इसके डिफ्रेंस को देखेंगे ये इसका डिफरेंस क्या है ठीक है डिफरेंस हमने क्या है सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टर्ल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली वाट टू डू सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का वो सेट है जो कंप्यूटर को बताता है एग्जैक्टली ठीक है कि आपने करना क्या है ठीक है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन uh, जो है ना देनी होती है कि वो करना क्या है उस कंप्यूटर ने ठीक है जबकि हार्डवेयर फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा जबकि जो हार्डवेयर है वो फिज़िकल पार्ट है कंप्यूटर का ठीक है जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर और हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर ठीक है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि देखें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टचड सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते ठीक है सिर्फ इसको हम विजुअली देख सकते हैं ठीक है जबकि हम हार्डवेयर को टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं टेंजिबल थिंग होती है ये ठीक है सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम हार्डवेयर इज़ रिपेयर इन केस ऑफ प्रॉब्लम जब सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम डिबक कर सकते हैं उसको उसकी प्रॉब्लम को हम निकाल सकते हैं ठीक है उसको मैनुफेक्चर uh, कर सकते हैं उसको सही कर सकते हैं जबकि अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं या उसको हम क्या करते हैं रिपेयर कर देते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व ठीक है अगर सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर रहा या हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा ठीक है उसमें कोई मसला हो गया है तो हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ठीक है जबकि हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर देते हैं अगर वो सही तरीके से काम ना करे ठीक है क्योंकि वो ख़राब चुका हो चुका होता है वो टेंचेबल होता है ठीक है हार्डवेयर इज मेड ऑफ फिजिकल मटेरियल ऑफ और कंपोनेंट सॉफ्टवेयर इज़ प्रिपेयर बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो हमारे पास किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है ठीक है चाहे वो सी प्लस प्लस हो पी एच पी हो कबोल हो फोट्रॉन हो ठीक है किसी भी लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है कि आपने ये कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने परफॉर्म करना टास्क ठीक है जैसे हमारा एम एस ऑफिस है तो उसको टास्क किया दिया जाता है उसमें डिफरेंट होती हैं कि उसमें पी पी टी स्लाइड्स का भी होता है उसमें स्प्रेडशीट होती है और या उसमें वर्ड होता है ठीक है उस ये डिफरेंट काम करते हैं तो ये मैन्यूफेक्चर ने इसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है कि वर्ड में कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है उसमें हम क्या करते हैं सेपरेट uh, शीट में हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं और पिपटी स्लाइड्स में हम स्लाइड्स बनाते हैं ठीक है जबकि हार्डवेयर जो है वो फिजिकल मटेरियल से बना होता है ठीक है जी आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाटा गिव इट्स डाटा अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा ऐसा बेतरतीब डाटा ठीक है जी आ, उसका मजमू को हम बेतरतीब डाटा डेट, के मजमू को या रॉ फैक्शन फिगर के मजमू को हम डाटा कहते हैं द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड इसमें जो वर्ड रॉ यूज़ हुआ हुआ है ना इसका मतलब होता है कि हमारे पास आ, ऐसी चीज़ें हैं जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में है अभी ठीक है डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं डाटा को कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो उसको प्रोसेस करे डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज डेफ डाटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं ठीक है प्रोसेस करने के लिए इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट परपजेज ठीक है जी इसको हम डिफरेंट परपज के लिए कलेक्ट करते हैं डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर करेक्टर्स सिम्बल्स और पिक्चर एक्सेट्रा डाटा हमारे पास जो है वो नंबर भी हो सकते हैं कोई करेक्टर्स भी हो सकते हैं कोई सिम्बल्स होते हैं या पिक्चर वगैरह भी हो सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा हो सकता है ठीक है जी जिसको हम क्लैक्ट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रोसेस करने के बाद उसको हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन हमारे पास हासिल हो जाती है ठीक है जी देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या दी हुई है स्टूडेंट फिल एंड एडमिशन फॉर्म दे गेट एन एडमिशन इन कॉलेज द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड अबाउट द स्टूडेंट दीज फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम फादर नेम एंड एड्रेस द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट ज्यूरिंग देयर स्टडी पीरियड इन द कॉलेज देखिए कॉलेज की एग्जाम्पल दी हुई इन्होंने फॉर्म सबमिट करवाने के एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसमें क्या करते हैं कि हम स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं ठीक है एडमिशन फॉर्म के थ्रू एडमिशन फॉर्म में हम उसका एड्रेस भी मांगते हैं मेल भी मांगते हैं नेम भी मांगते हैं फादर नेम भी मांगते हैं उसमें हम ठीक है जी और वो किस में एडमिशन लेना चाहता है वो भी एडमिशन हो उसमें इंफॉर्मेशन होती है तो हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा होता है उसके अंदर ठीक है हमने अभी सॉर्ट नहीं किया होता उसकी सॉर्टिंग नहीं की होती मैनिपुलेट नहीं किया होता उसको हम सिर्फ ये देखते हैं हमारे पास एडमिशन फॉर्म आ रहे हैं ठीक है वो रेंडम आ रहे होते हैं हमारे पास डिफरेंट क्लासेस के आ रहे हैं एफ़ एस सी के बी एस सी के आई सी एस के एफ़ ए के आर्ट्स के ठीक है जी डिफरेंट आ रहे होते हैं उसमें हमने अभी मैनिपुलेट नहीं किया होता सिर्फ रॉ आट डाटा आ रहा होता है हमारे पास रैंडमली ठीक है कि हम कहते हैं कि हमारे पास इस दफ़ा फ़ाइव हंड्रेड एडमिशन थाउजेंड एडमिशन हुए हैं ठीक है अभी हमें यह नहीं पता होता कि वो एडमिशन हुए किस किस क्लास के हैं मतलब डिफरेंट क्लासेस के तो हो जाते हैं हमारे पास लेकिन अभी हमें सॉर्टिंग नहीं की होती कि हमारे पास एफ एस सी के इस दफ़ा फोर हंड्रेड आए हैं या बी एस सी के फाइव हंड्रेड आए हैं ठीक है जी इस तरह से इसकी सॉर्टिंग नहीं की होती हमने उसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन इट्स एग्जांपल इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा जिसको हमने प्रोसेस कर लिया होता है उसको देखिए एक तो हमारे पास डाटा आ गया रैंडम ठीक है उसके बाद हमने प्रोसेस किया होता है डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाती है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं ठीक है ना जी ये एक ऑर्गनाइज फॉर्म होती है ये मीनिंग फुल मत समझने के काबिल होती है इससे हमें इन्फॉर्मेशन गेन होती है कि आया जो हमने एडमिशन किए थे कॉलेज के उसमें हमारे पास एफएससी uh, कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं ठीक है जी मेडिकल के उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के कितने स्टूडेंट्स हैं या हमने बीएससी के एडमिशन किए हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास बीएससी के कितने हुए हैं ठीक है इन्फॉर्मेशन आ जाती है पहले हमारे पास जब हम एडमिशन कर रहे होते हैं उस टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती ठीक है वो तो रेंडम हमारे पास फॉर्म आ रहे होते हैं हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उसके बाद स्कॉटिंग करते हैं इसकी हम स्क्रॉटिंग करने के बाद स्क्रॉटिंग के साथ प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसमें हम बता सकते हैं कि अब हमारे पास एफ के फोर आ गए हैं ठीक है उसमें मेडिकल के कितने स्टूडेंट्स हैं ठीक है ये सब चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं ठीक है जी ये इंफॉर्मेशन आने के बाद हम एक हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है न डिसीजन ले सकते हैं ठीक है डेटा कैन बी प्रोसेस इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ठीक है डेटा को हम प्रोसेस कर सकते हैं ना कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए एग्जाम्पल देख लें डेटा कलेक्टेड फ्राम सेंसेस इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब आप देख लें कि हम जो शुमारी करते हैं ठीक है उसमें हमारे पास जो डाटा आता है उसको हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं ठीक है इंफॉर्मेशन आती है कि हमारी मुल्क की आबादी कितनी बढ़ गई है कितनी है इस टाइम या कितने हमारे पास इलिटरेट हैं कितने लिट्रेट हैं इसमें लोग हमारे पास ठीक है द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट टू डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन इन इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट ठीक है मरदम शुमारी में हमारे पास आबादी की आबादी की सारी पॉपुलेशन भी आ जाती है हमारे पास इसके अंदर और लिटरेसी रेट भी आता जाता है इससे गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है मरदम शुमारी करने से कि लिटरेसी रेट का पता चलता है क्या हमारे मुल्क में कितना पढ़ा लिखा तबका है ठीक है अगर तो हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट कम है ठीक है तो हम क्या करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट जो है ना फिर ज़्यादा ऐसे आ, अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसे प्रोजेक्ट uh, लेकर आती है जिससे लिटरेसी हमारी बढ़े ठीक है पढ़ा लिखा तबका हमारा ज़्यादा आए अच्छा जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ डाटा प्रोसेसिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग डेटा इज़ द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इट इज़ आल्सो नाउन एज कंप्यूटिंग ठीक है जी देखें सबसे तो पहले हमने डेटा कंप्यूटर को दिया ठीक है डाटा देने के बाद एकदम से इंफॉर्मेशन नहीं आ जाएगी हम उसको प्रोसेस करेंगे उसका कैलकुलेशन करेंगे ठीक है सपोज आपके हमारे पास रैंडम डिफरेंट सब्जेक्ट के हमारे पास आ जाते हैं मार्क्स आ जाते हैं ठीक है ठीके? जब तक हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे उसके परसेंटेज नहीं निकालेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं कौन से स्टूडेंट ने कौन सी पोजीशन ली है डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप डेटा परफॉर्म इन अ सीक्वेंस, ठीक है जी डेटा प्रोसेसिंग के डिफरेंट स्टेप हैं जो एक सिक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं इसके बगैर हमारे पास जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे ना तो हमारे पास इन इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी ठीक है किसी भी डाटा की तो इसके डिफ़रेंट जो बेसिक स्टेप्स हैं वो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट है ठीक है तो सबसे पहले डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं इन करते हैं उसको डाटा को हम इनपुट भी कहते हैं ठीक है थीके? जी इन करते हैं उसके बाद कंप्यूटर उस सारे डाटा को प्रोसेस करता है कैलकुलेट करता है कंप्यूट करता है उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है या रिजल्ट आता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं ठीक है थीके? प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो प्रोसेस फॉर्म में हो जाता है उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं अब ये देखें यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है एक वही जो मैंने आपको पहले मार्क्स uh, की बताई थी एग्जांपल कि हमारे पास डिफरेंट एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स मार्क्स होते हैं तो वो डाटा होते हैं हमारे पास ठीक है उसके बाद जब हम उसको प्लस करते हैं सारे मार्क्स को तो वो प्रोसेस फॉर्म से गुजर रहा होता है ठीक है जब हमारे पास वो टोटल मार्क्स आ जाते हैं ऐड कर लेते हैं ठीक है जी रिजल्ट आ जाता है तो हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं ठीक है थीके? आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे आगे कंप्यूटर के बारे में ठीक है कंप्यूटर कैसे और कब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर की कौन कौन सी फॉर्म हमने यूज़ कर ली है और इसमें हम फर्दर सीखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में Uh, कौन कौन सी कंपोनेंट है ठीक है कौन कौन सी फिज़िकल इंफॉर्मेशन है इसमें कौन कौन सी डिवाइेज़ यूज़ होती है इसमें किस तरह से हमने इसको uh, हर में डिवाइड किया हुआ है ठीक है किस तरह से यूज़र जो है वो कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है ठीक है कम्युनिकेशन कैसे होती है यूज़र और कंप्यूटर के आपस में या यूज़र uh, कंप्यूटर को कैसे यूज़ करता है कम्युनिकेशन के लिए ठीक है किसी के साथ भी और इस टॉपिक में हम कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है जी और देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटर डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ठीक है कंप्यूटर के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं लेकिन हम अगेन एक दफे रिव्यू कर लेते हैं इसमें भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज़ ठीक है जी कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा प्रोसेस डेटा एंड टू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज कंप्यूटर एक मशीन है ठीक है जो कैलकुलेशन करती है कंप्यूटर का इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो हमारे डाटा को एक्सेप्ट करे उसको प्रोसेस करें और उसको हमारे पास रिज़ल्ट दे किसी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ठीक है फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें ठीक uh, है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ़्टवेयर पर कंसिस्ट करते हैं ठीक है मुश्तमिल होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया उसको कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या चीज़ है ठीक है जी थी? इस मशीन को दिस मशीन इज़ नाउन एज़ हार्डवेयर ठीक है जी और मशीन को हम जो कहते हैं वो हार्डवेयर कहते हैं द प्रोग्राम आर कार्ड सॉफ्टवेयर जबकि हम प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं और मशीन को जो टेंजिबल होती है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर वो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं लेकिन ये परफॉर्म किसके ज़रिए किया जाता है ये कि हार्डवेयर के जरिए किया जाता है इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर के जरिए दी जाती है ठीक है परफॉर्म हमारे पास सॉफ्टवेयर करता है लेकिन इंस्ट्रक्शन हम हार्डवेयर के थ्रू करते हैं मोस्टली जो हमारे पास हार्डवेयर uh, यूज़ करते हैं वो हमारे पास माउस और कीबोर्ड होता है ठीक है आपने अपने घर में लैपटॉप में सॉरी uh, इसमें देखा होगा पीसी में, पी में डेस्कटॉप सिस्टम में आपने देखा होगा कि हमारे पास मोस्टली जो होते हैं ना वो हार्डवेयर सिर्फ आ, माउस और कीबोर्ड होते हैं ठीक है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसके जो ज़रूरी और बेसिक हिस्से कौन कौन से होते हैं ठीक है वो हमने पढ़ने हैं इसमें आ कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्ड डिफरेंट कंपोनेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ आउटपुट प्रोसेस इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज ठीक है इसमें डिफरेंट फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करता है कंप्यूटर वो किसके थ्रू करता है ठीक है इनपुट करता है पहले हम इन करते हैं फिर वो प्रोसेस करता है कंप्यूटर को हमें आउटपुट देता है ठीक है आउटपुट देने के बाद वो हमारी मर्जी होती है हम उसके आउटपुट ले लें या उसको फॉर लेटर यूज हम उसमें स्टोर कर लें ठीक है नीचे आप स्केच देख रहे हैं इसमें इनपुट डिवाइजेज सेंड टू द सेंड डाटा टू सी पी यू इनपुट डिवाइज के थ्रू हम क्या करते हैं डाटा को इन करते हैं ठीक है उस सी पी यू के अंदर ठीक है उसमें उसके बाद देखिए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट लिखा हुआ है इसमें इनपुट के थ्रू हम क्या करते हैं डाटा को कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं उसके बाद वो प्रोसेस हो रहा था प्रोसेसर प्रोसेस किसके कि, कौन कर रहा है उसको प्रोसेस डाटा को ठीक है सी पी यू कर रहा है सी पी यू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन ठीक है जी इसमें हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज भी होती हैं जो डेटा को स्टोर कर रही होती हैं ठीक है जी और उसके बाद हम उसमें हमारे पास सीपीयू सारा हमारा इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो मेन किरदार होता है ना वो सीपीयू का होता है ठीक है अगर सीपीयू ना तो हम डेटा को इन कहाँ से करेंगे जो हमारा मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा होता है ठीक है आप देखें जब हमारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद हमें आउटपुट आ जाती है हमारे पास यूजफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ठीक है हमारे पास हमेशा डाटा जो है वो तीन न, स्टेप्स होते हैं प्रोसेसिंग करने के ठीक है ना डाटा के जिसमें इनपुट होता है प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट है ये हमारा कंप्यूटर इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम अपना सारा वर्क करते हैं ठीक है थेके? आगे हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में इनपुट डिवाइसेस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हैं ठीक है जो, है, जो हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करती है करवाती है और कंट्रोल करने की इजाज़त देती है जो सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस इस्तेमाल की जाती हैं वो कीबोर्ड और माउस है ठीक है इसमें हम हार्डवेयर को कंप्यूटर में इसमें हम रॉ डाटा को कंप्यूटर में इन करते हैं ठीक है रॉ डेटा को जो अभी अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है ठीक है मैनिपुलेट नहीं किया होता जिसको हमने ठीक है इनपुट इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इसमें इन करते हैं डाटा को उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं ठीक है आगे हमारे पास है प्रोसेसिंग डिवाइस ठीक है कि पहले तो इन करवा दिया और फिर हम अब उसको प्रोसेस कैसे करेंगे द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है जिसमें हम डाटा को इन करते हैं ठीक है वह तो उसमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए इन करते हैं उसको हम सीपीयू कहते हैं ठीक है सीपीयू हमारे कंप्यूटर का दिमाग होता है ठीक है अगर तो ये सही काम करेगा तो हम डाटा प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है इजीली कर सकते हैं कंप्यूटर हमारे जा, जाहिर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए होमेन बेस्ड होता है जो जो इसको होमेन इंस्ट्रक्शन uh, देंगे वही करेगा ठीक है लेकिन अगर हमारे सी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है ठीक है तो हमारे डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा ये याद रखिएगा ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है ठीक है एक कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ठीक है सी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है जो भी हम डाटा इसमें एंटर करते हैं उस वो हम के थ्रू इंटरप्रेट हो रहा होता है ठीक है प्रोसेस हो रहा होता है ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो कहते हैं तमाम कंप्यूटर जितने में चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे चाहे वो कंप्यूटर के फॉर्म में हमारे पास डिवाइसिस uh, हों ठीक है वो क्या करते हैं इसमें सीपीयू लाजमी होता है मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग मेन मेमोरी जो होती है वो प्रोसेस करने से पहले डाटा को स्टोर करती है अब जब हमारा डाटा प्रोसेस हो रहा है आखिर वो कहीं तो रखा जा रहा है ना जहाँ वो रख के कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है ठीक है उसको हम मेन मेमोरी कहते हैं इट आल्सो स्टोर प्रोसेस डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग अनटिल द डाटा इज सेंट टू द आउटपुट डिवाइज वो कहते हैं कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद भी स्टोर करती है ठीक है जब हम इसको आउटपुट हासिल कर लेते हैं इसकी द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू सी पी यू बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट वो कहते हैं इसकी क्लोज होती है ठीक है लेकिन इससे अलग होती है ठीक है ये सारी चीज़ें हमारे डाटा को प्रोसेस करने में यूज़ हो रही होती हैं क्योंकि हमारे सी डाटा को प्रोसेस और कंट्रोल भी कर रहा होता है आखिर वो किसी कोई तो जगह पर किसी कोई तो प्लेस है ना जहाँ पर वो रख के उसको कंट्रोल कर रहा है तो वो हमारी मेन मेमोरी में, 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 में रख कर उसको कंट्रोल कर रहा होता है ठीक है जी आगे हम देखें यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस बताई गई हैं ठीक है इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं माउस है ये भी आपने अपने कंप्यूटर में देखी होगी टच पैड है जो हमारे लैपटॉप में यूज़ होते हैं डिजिटल कैमरा हमारी होती है जिसमें डिजिटल कैमरे को हम अपने पिक्चर को उसमें सेव करने के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं ठीक है इन करवा रहे होते हैं ना इससे हम सेव कर रहे होते हैं ठीक है या हम इसके अंदर भी सेव कर रहे होते हैं डाटा को ठीक है पिक्चर ले रहे होते हैं मूवी बना रहे होते हैं माइक्रोफोन होता है जिसके थ्रू हम बोल रहे होते हैं अटैच कर लेते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ ठीक है स्कैनर होता है जिससे हम हार्ड कॉपी को स्कैन करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में लेकर आते हैं ठीक है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर को यूज़ करते हैं ठीक है कीबोर्ड क्या होता है कीबोर्ड देखिए कीबोर्ड भी हमारे पीसी में या हमारे डेस्कटॉप सिस्टम में लगा होता है ठीक है माउस और कीबोर्ड हम मोस्टली यूज़ करते हैं ये सारे इसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया गया आप अब हम देखें यहाँ पर देखें फिग, फिगर टू में प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी इन सिस्टम यूनिट अब जो हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू है जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है ठीक है जो सारे हमारे कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हमारे हैंडल कर रहा है ठीक है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें इस ये सिस्टम यूनिट दिखाया गया है इसमें अब सिस्टम यूनिट का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है इसमें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? इसमें वैसे तो हमारे पास केबल्स होती हैं ठीक है ठीके? पोर्ट लगी होती है मेन इसमें मदरबोर्ड होता है मेमोरी होती है इसमें प्रोसेसर होता है जो हमारी स्पीड को बढ़ाता है ठीक है कंप्यूटर की और मे, मे जो मेमोरी होती है वो हमारी स्टोरेज होती है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे थे चाहे वो परमानेंटली हो या टम्प्रेरी हो ठीक है जी अब आगे देखिए हमारे पास कौन सी है आउटपुट डिवाइस के बारे में बता रहे हैं वो द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट ठीक है जो डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे पास हासिल होता है जो रिजल्ट हासिल होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं ठीक है जी आउटपुट डिवाइज़ज आर यूज टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइेस जो है ना वो हमारे डाटा को डिस्प्ले करती हैं हमारे रिज़ल्ट को जो आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा के आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है ना उसको डिस्प्ले करती हैं ठीक है जी उसको दिखाती है कि देखें आपने ये हमें डाटा इन किया था कंप्यूटर के अंदर ठीक है उसके बाद कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया थ्रू हार्डवेयर ठीक है इंस्ट्रक्शन दिए उसको के प्रोसेस करने के लिए उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट हासिल होता है इसको हम कहते हैं कि ये अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है ठीक है जी द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइज आर मोनिटर एंड प्रिंटर ठीक हाँ है ये देखिए हम आउटपुट डिवाइज दिखाई गए हैं प्रिंटर है कोई हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास फाइल्स वगैरह होती हैं उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं ठीक है थीके? उस उसके फिर हम जो उससे प्रिंटर के थ्रू उसको बाहर प्रिंट करके निकाल लेते हैं पेज को उसको हम कहते हैं ये हार्ड कॉपी है हमारे पास ठीक है जी थी? मोनिटर डिस्प्ले क्या करता है हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को इन करवाते हैं उसके बाद वो प्रोसेस कर रहा होता है जो रिज़ल्ट हमें मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करके देता है उसको कहते हैं हम इन्फॉर्मेशन ठीक है जी ये आउटपुट डिवाइस है हमारे पास स्पीकर है कोई हमने वीडियो चलाई है उसके अंदर कोई ऑडियो चलाई है जो उसकी वॉइस हमें बाहर सुनाई देती है ठीक है वो थ्रू स्पीकर के ज़रिए कंप्यूटर के अंदर से बाहर सुनाई दे रही है हमें तो वो क्या कर रही है आउट कर रही है ना तो ये आउटपुट डिवाइस हुई हमारे पास हेडफोन हो गया ठीक है हमने पढ़ा था कि हमारे पास माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस है क्योंकि उससे हम वॉइस को अपने कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ठीक है या बोल रहे होते हैं किसी कम्युनिकेट करने के लिए तो उसके अंदर जा रही होती है जबकि हेडफोन हम अपने पे लगाते हैं ताकि हमें कंप्यूटर के अंदर वाली आवाज़ सुनाई दे बाहर ठीक है जी अब आगे हमारे पास आ गए हैं स्टोरेज डिवाइज स्टोरेज यूजली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज ठीक है uh, storage storage जी द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम ट्प्रेरी मेन मेमोरी हमारे डाटा को स्टोर करती है या प्रोग्राम को डाटा और प्रोग्राम को टेम्परेरी तौर पर ठीक है जी द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली जबकि हमारे पास देखिए मेन मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं ठीक है जी ये हमारे पास क्या होती है जो डाटा को टेम्प्रेरी स्टोरेज कहते हैं जबकि सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज हमारे पास रोम होती है ठीक है जी इसमें क्या होता है कि हम डाटा को स्टोर करते हैं और इन प्रोग्राम्स को परमानेंटली याद रखिएगा हमेशा के सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है प्रोग्राम्स की ठीक है जबकि हमारे पास मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी वो हमारे पास टम्प्रेरी स्टोरेज के लिए होता है ठीक है जी द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइेज़ आर हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव यू फ्लैश ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क सचैस एंड डीवीटीज़ ठीक है जी ये हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आज पढ़ लिया है देख लें अब आगे हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस दिखाई गई हैं हार्ड डिस्क यूएसबी फ्लैश ठीक है जी ऑप्टिकल डिस्क स्मार्ट कार्ड दिखाए गए हैं हमारे पास और मेमोरी कार्ड दिखाए सॉलिड स्टेट ड्राइव दिखाई गए हैं ये हमारे पास सारी स्टोरेज डिवाइसेस यहाँ पर हमें दिखाई गई ये हमारे पास होती हैं जो हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं देखिए आप यू को क्या करते हैं अपने डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर से इसके अंदर भी सेव कर सकते हैं ताकि हम किसी और लैपटॉप में या कंप्यूटर में उसको ट्रांसफ़र कर सकें ठीक है ट्रांसफ़र करने के लिए हार्ड डिस्क होती है जो हमारे सी के अंदर लगी होती है और इसमें हम हमारे जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं ठीक है वो हमारा हार्ड डिस्क में जा रहा होता है ऐसे ही ठीक है जी ये आज हमने इन टॉपिक के बारे में जो पढ़ा है आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में हमें क्वेश्चन कर सकते हैं तो हम आपको रिप्लाई करेंगे uh, मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई भी करूँगी बता भी दूंगी कोई आपको नहीं समझ आ रही आप मुझसे ईजी होकर कमेंट में uh, पूछ लें ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज़